तू मला काल सोडून गेली काली, मी किती बोर झाली तुला माहित का? कुठे इतने महीने हो गए लॉकडाउन हो गए, लेकिन आज पहली बार मेरा दिमाग खराब हो गया लॉकडाउन में। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, इतना बोर, इतना खाली। लेकिन मेरा वर्क फ्रॉम होम चला गया है तो मुझे इतना खाली, इतना बोर फील हो रहा ना। ये आज पहली बार इतने महीनों में इतना ज़्यादा फालतू इंसान फील हो रहा ना, कि जैसे करने के लिए मेरे को लाइफ में कुछ नहीं है। और ये बच्चे लोग सुबह से नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। ना ही मैंने सुबह से कुछ व्लॉग किया, कुछ भी नहीं। मेरा सर भी हैवी लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पेट में बहुत सारी गैस हो गई और जो निकलने का नाम नहीं ले रही है। ये लड़की ने रात को 3 बजे घर में जो सस्सू का नल चालू किया, बाप रे बाप, है ना? एवढी सस्सू तू कुठून आणली? इतनी सस्सू आपने कहाँ से लाई? दुकान से। कितने रुपए की? 5 रुपए की सस्सू। लड़की अभी उधर खड़ी थी ऐसे, तू बराबर देता, हाँ ऐसे खड़ी थी। और मुझे वो डार्क सीरीज का पोस्टर याद आ गया है, मैंने डार्क सीरीज देखी सीजन 1, 2, 3। मुझे टाइम ट्रैवल मूवीज ऐसे कुछ एपिसोड्स होते हैं बहुत ज़्यादा पसंद है, टाइम ट्रैवल के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है। तो मैंने उसके रिव्यूज़ देखे। मैं वैसे देखता नहीं हूँ सीरीज वगैरह नेटफ्लिक्स पे या कहीं पर। मैंने सिर्फ सेक्रेट गेम्स देखा और कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन ये डार्क के बारे में मैंने इतना सुना और मैंने देखी यार सीजन 1, 2, 3। आउटस्टैंडिंग, मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास। इतनी खतरनाक सीरीज यार, इतनी खतरनाक, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। इतनी खतरनाक, मतलब कोर ऐसे कैसे बना सकता है यार। मतलब इतना दिमाग, इतनी सारी चीज़ें। जब 1 शुरू हुआ तब सारी चीज़ें ब्लैंक थी, जब 2 शुरू हुआ मैं अगर ऐसी कोई सीरीज देखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूँ और ज़्यादा गैप नहीं रखूँ। तो मैंने 2 दिनों में पूरी की पूरी सीरीज देख ली, 1, 2, 3 सब देख लिया मैंने। और जब सीजन 3 शुरू हुआ तो मैं एकदम ब्लैंक हुआ, बोला ये क्या चालू हो रहा भाई। लेकिन एंडिंग तक तो ना चुम्मा, एकदम चुम्मा। आज तक पूरे वर्ल्ड में वैसी सीरीज कोई बनी नहीं है। मतलब आपने नहीं देखी तो डार्क जरूर देखना, जरूर 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 देखना, मस्ट रिकमेंडेड 100%। अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें टाइम ट्रैवल ये सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा पसंद है ऐसी सारी चीज़ें, तो आपको तो देखना बनता है। मतलब कैसे कोई कैरेक्टर कहाँ से, कौन किसका बाप, भतीजा, मामा, मौसी, चाचा, चाची, भाई, बेटा, पति, कौन किसका क्या है ना यार। दिमाग चाहिए सोचने के लिए, दिमाग चाहिए वो सीरीज समझने के लिए। इतनी हार्ड कोर सीरीज है, इतनी हार्ड कोर। शाम के बज रहे 6 और इतनी तूफानी बारिश हो रही है बाहर, बारिश से ज़्यादा हवा चल रही है ज़ोरों ज़ोरों की। घर से निकल गए हम इस सुहाने सुहाने मौसम में पेमेंट निकालने के लिए। अभी पेमेंट निकालेंगे फिर घर पे जाएंगे, घर से 1 मिनट की दूरी पर ही ATM। मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा प्रेशर फील होगा मेरे को, लेकिन ये मेरा पहला ही दिन है जहाँ पर मेरा वर्क फ्रॉम होम नहीं है, कैंसिल हो गया और मेरे ऊपर प्रेशरों का पहाड़ खड़ा हो गया। पता नहीं क्यों ऐसा, मैं भी शायद कि मैं एक बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ गैप वगैरह लिया नहीं मैंने। इससे गाड़ी आई है घर के बाहर पिकअप के लिए, यानी जो सिस्टम है मेरा वो पिकअप करके लेके चले जाएंगे। पता नहीं क्यों मुझे एकदम अजीब सा लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। आई डोंट नो वाई बट आई एम फीलिंग लिटिल वियर्ड। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चीज़ मेरे से अपनी छीनी जा रही है। अभी सिस्टम लेके चले जाएंगे तो फिर कुछ काम वगैरह होगा नहीं घर पे, जो भी अपने वीडियोज़, ब्लॉग्स या कुछ और वीडियोज़, ये सब चीज़ों में बिज़ी रहूँगा मैं। हाँ चलो चलो। तो भाई 2 महीने काम करने के बाद फाइनली सिस्टम जा रहा है हमारा, पता नहीं क्यों एकदम अजीब ही दुख हो रहा है। चलो दोस्त, थैंक यू। हाँ नहीं नहीं छोड़ा नहीं, वो लोग थोड़ा एक हफ्ता तबीयत ठीक नहीं था ना तो लोगों ने कैंसिल किया वर्क फ्रॉम होम। तो भाई सिस्टम चले गया मेरा, पता नहीं ऐसा लग रहा है ना जैसे कि करण के सीने से उसका वो कवच छीन लिया हो किसी ने। सम से इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा बुरा फील होएगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम ऑफिस भी शुरू नहीं है, वर्क फ्रॉम होम भी शुरू नहीं है। लेकिन फिलहाल एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम,
आई एम फीलिंग समथिंग वियर्ड, एकदम अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया है, पर लाइफ ऐसी ख़त्म नहीं होती।